वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कॉल्ड लॉजी बॉडी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द ईआर एंडोप्लाज्मिक। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज हम पढ़ते जा रहे हैं गॉल्जी बॉडी के बारे में। ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनल है। इसको डिस्कवर जिसने किया था उनका नाम था कैमिलो गॉल्जी। वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के ऑनर में इसका नाम भी गॉल्जी बॉडी रख दिया है। ठीक है, तो कैमिलो गॉल्जी थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इन्हीं के ऑनर में इस सेल ऑर्गेनल का नाम गॉल्जी बॉडी रखा गया है। गॉल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है तो मैं सिंपल सा आपको डायग्राम बना के बताता हूँ जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है नॉर्मली कुछ ऐसी होती है गॉल्जी बॉडी की। इसके जो ये स्वेलो एंड होते हैं इनको हम सिस्ट्रेन के नाम से जानते हैं। जो इसके स्पेलो एंड होते हैं दैट इज नोन एज अ सिस्ट्रेंस। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो ये फ्लैट ट्यूब यानी कि चपटी ट्यूब जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। या आप इसको फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। थैले जैसी स्ट्रक्चर जो कि क्या होती है, चपटी होती है और उसके दोनों एंड क्या होते हैं, स्पेलो होते हैं यानी थोड़े से फूले हुए होते हैं जिसको हम सिस्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी हल्की सी नॉर्मल सी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी गॉल्जी बॉडी होती है वो ईआर से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। देन इसके फंक्शन क्या होते हैं, गॉल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं। तो क्योंकि गॉल्जी बॉडी जो होती है वो ईआर से कनेक्टेड रहती है, ईआर से जुड़ी भी रहती है, इसलिए क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का फंक्शन करती है बिटवीन द ईआर एंड सेल या बिटवीन द ईआर एंड द न्यूक्लियस। तो इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म या सेल। जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड आप बोल सकते हो, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा इसके कुछ अलग फंक्शन जो होते हैं वो भी होते हैं। ये क्या करती है, वैक्यूम्स का फॉर्मेशन करती है। वैक्यूम्स क्या होते हैं, स्मॉल पाउच होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को ये स्टोर करके रखती है या कुछ मटेरियल जो ये सिंथेसाइज करती है या उनको मॉडिफिकेशन करने का काम भी कौन करती है, गॉल्जी बॉडी करती है। मेन फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा ये अदर फंक्शन है इसके। देन इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है, वो होता है लाइसोसोम। जो होता है उसको बनाने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। कौन, गॉल्जी बॉडी हेल्प करती है। देन इसके अलावा इसका एक और भी फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है इसका कुछ मटेरियल को क्या करके रखना, स्टोर करके रखना। और उनमें भी सबसे ज्यादा जो काम की चीज आती है वो आती है आपकी क्या, शुगर। अब शुगर भी कौन सी, कॉम्प्लेक्स शुगर। हमने देखो सिंपल शुगर और जो कॉम्प्लेक्स शुगर उसके बारे में पढ़ा है। सिंपल शुगर में आते हैं आपके जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, डेक्रोज, माल्टोज। कॉम्प्लेक्स शुगर में आते हैं आपके सेल्युलोज, स्टार्च। तो सेल्युलोज या स्टार्च जैसे जो कॉम्प्लेक्स जो शुगर होती है उसको बनाने का भी क्या करती है, गॉल्जी बॉडी काम करती है। मैं एक बार फिर से इसके फंक्शन को रिपीट कर देता हूँ। जो मेन फंक्शन होते हैं गॉल्जी बॉडी के, दैट आर द फर्स्ट फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म या सेल भी बोल सकते हो। देन इसके अलावा फूड को या मटेरियल्स को स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम्स। कॉम्प्लेक्स शुगर का क्या करना, सिंथेसाइज करना और उसको स्टोर करके रखना। कॉम्प्लेक्स शुगर लाइक द सेल्युलोज और स्टार्च। एंड इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है उसको बनाने में क्या करना, हेल्प करना। तो ये इसके फंक्शन होते हैं गॉल्जी बॉडी के। सबसे पहले डिस्कवर जो किया था वो किया था कैमिलो गॉल्जी ने, इसको डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम के ऊपर इसको गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी अपार्टमेंट भी बोलते हैं इसको नाम दिया गया है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है, अरेंज रहती है। इसके जो एंड होते हैं वो थोड़े से जो होते हैं बॉल जैसे शेप के होते हैं या
थोड़े से बबल जैसे शेप के होते हैं जिनको हम सिस्टर्न्स के नाम से जानते हैं। ER से ये कनेक्टेड रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। इसलिए इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो ये तो थी हमारी गोल्जी बॉडी जो कि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लाइसोसोम। So
सोसाइटल बैग या आत्मघाती थैली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये रीजन होता है कि इसको सोसाइटल बैग बोलते हैं, क्योंकि कई बार कि अपनी ही सेल को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, उसको डाइड कर देती है, किल कर देती है। तो ये था हमारे लाइसोसोम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, मतलब दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है रफ, या इसको पोर्स भी बोलते हैं। इसमें बाहर की तरफ मेम्ब्रेन का छोटे छोटे टाइनी पोर्स मिलते हैं, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जो कि मैंने इसको फोल्डेड करके बनाया है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये स्मूथ मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। आउटर वाली को रफ मेम्ब्रेन, इनर वाली को स्मूथ मेम्ब्रेन बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एनर्जी का जो सिंथेसाइजेशन किया जाता है वो उन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी करती है। अब ये जो इनर जो मेम्ब्रेन होती है, ये देखो आप फोल्डेड होती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, लाइक ऐसे फिंगर जैसे नजर आ रहा है आपको। इसका रीजन है, इसका रीजन है कि अगर मैं इसको इतना फोल्ड करूं और एक में इसको सीधा रखूं तो ज्यादा लेंथ किसकी होगी जो फोल्ड हुआ हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा फोल्ड वाले को तो ये ज्यादा लंबा होगा। तो एक्चुअली जो ये फोल्ड पोर्शन होता है ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ज्यादा जगह बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या किया जा सके, सिंथेसाइज किया जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या किया जा सके, सिंथेसाइज किया जा सके। अब एनर्जी सिंथेसाइज कैसे की जाती है यहाँ पर? तो जो हम फूड टेक करते हैं उसका डाइजेशन होता है, आफ्टर डाइजेशन उसको सेल को ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या किया जाता है, जलाया जाता है। अब ऑक्सीजन कांसेप्ट भी आपको पता है, जब हम ब्रीथ करते हैं, हम जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन। और हमारा डाइजेस्टिव फूड यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन द्वारा क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है और एनर्जी को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और एनर्जी जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है वो बनाती है एटीपी के रूप में। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी के रूप में होती है, एक होती है एडीपी। एडीपी के रूप में स्टोर किया जाता है, ज्यादा एनर्जी बन गई उसको स्टोर करके रख दिया जाता है एडीपी की फॉर्म में, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी। तो एनर्जी का जो सिंथेसाइजेशन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा वो किया जाता है किसके फॉर्म में, एडीपी के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उस पर छोटे छोटे डॉट जैसी थिंग्स नजर आती है, वो जो होती है वो होती है राइबोसोम। और राइबोसोम भी हमने पहले पढ़ा है,
राइबोसोम जहां पर क्या था उसका सीधा सा कनेक्शन होता है प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन से। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अंदर की तरफ भी लिक्विड फिल रहता है जिसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, इसके अलावा एक और भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है। खुद का इसमें डीएनए मिलता है और ये डीएनए खुद को रेप्लिकेट भी करता है। मैं ज्यादा तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा, तो आप इतना ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें खुद का डीएनए मिलता है। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल होता है प्लास्टिड, जिसमें भी खुद का डीएनए होता है। ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें खुद का डीएनए मिलता है और वो रेप्लिकेट भी होता है, मतलब खुद डीएनए नई कॉपी बनाता है डीएनए की। तो ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें डीएनए मिलता है। तो मैं अगर फिर से इसको पढ़ देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? नॉन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन इज द रफ मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज द स्मूथ मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर व्हिच इज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी को सिंथेसाइज करने के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देती है? बढ़ा देती है या इसको इंक्रीज कर देती है। इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी सरफेस के ऊपर टाइनी या स्मॉल डॉट जैसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। दैट आर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के अंदर तरफ लिक्विड या फ्लूइड फिल रहता है, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी को सिंथेसाइज करना। किसके फॉर्म में करती है? एटीपी के फॉर्म में करती है। एक्स्ट्रा एनर्जी अगर स्टोर बन जाती है तो उसको स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्म में। जो एनर्जी होती है उसको भी बाद में ट्रांसफर किया जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पर अलग अलग जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन चलती है वहाँ पर इस एनर्जी का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, या हम मैकेनिकल भी जो यूज करते हैं एनर्जी वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लास्टिड्स और मोर।